शुक्त का और श्री पुरुष पुरुषुक्त के इसका मह, महत्व क्या है ये पढ़ने का क्योंकि पहले जो है आ, जो भी हम कार्य कर रहे वो सारे भगवान से ही उगम हुआ है वो करके हम जैसे हम कोई भी चीज ला रहे आ, अगर मंदिर का उद्घाटन हो मंदिर उद्घाटन के लिए ये सारे चीज हमने इकट्ठा किया है ना बट ये सारे चीज में जो है वो दिया गया भगवान ही है हम इकट्ठा करके हम जनरली क्या सोचते हैं हरे हम मंदिर के लिए इतना पैसा दिया है हमारा नाम लिखा है क्या <laughs> सोचते हैं ठीक है आप मंदिर के लिए पैसा दिया सब ठीक है बट ये सब कुछ का उगम स्थान जो है भगवान ही है जैसे प्रोपर जी उदाहरण देते हैं कि जैसे आ, सोप है सोप कैसे बनाया जाता है कि एक तेल लेते हैं और सोडा लेते हैं है तेल और सोडा दोनों को मिक्स करके सोप बनाया जाता है बट सोप कैसे दिखते उसमें तेल दिखता है क्या हमको नहीं दिखता है सोडा दिखता है क्या नहीं दिखता है बट हमको सोप दिखता है ठीक <laughs> वैसे ही जो है हम जो भी यहाँ पे बनाए रहे हैं हमको लगता है हम बनाया है सोप बट वो तेल और सोडा किसने दिया है, दिया है। भगवान ने दिया है बट बनाने वाला आदमी आपको लगाया है भगवान ने और शक्ति दिया गया है ठीक वैसे जो है ये कोई भी कार्य जो भी करते हैं जैसे संस्कार करते हैं अग्नि का चीजें करते हैं वो सारे क्यों करते हैं ये हम बहुत महान कार्य करने वाला है ये सब आपका आशीर्वाद चाहिए पहले तो इसीलिए उस टाइम पे ये स्तुति हम फिर से सुनते हैं ये सब आपने किया है हमने नहीं किया है और फिजिकली भी कराते हैं पुरोहित वो क्या है स्वाहा इधम ना ममहा ऐसा बोलते में मेरा नहीं है ऐसे करके बोलते हैं ये बार बार जो है ये याद कराने के लिए इसीलिए पुरुष जो है बहुत भगवान को डायरेक्ट गुणगान है भगवान का सिर्फ भगवान का रूप का नहीं है भगवान का हर एक अंग का गुणगान है उतना ही नहीं ये भौतिक जगत में जो भी चीज इसको बनाए बनाने के लिए जो दिया गया सब है सबका गुणगान है भगवान का रिलेशनशिप से तो वो सब जो है इसीलिए पुरुषोक्त ये सारे गाया जाता है तो पिछले बार एक प्रश्न पूछा था किसी ने थी